नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद दुबे। आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा इन लोगों को अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इन गांवों से होने वाले पलायन को रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। प्रोग्राम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत व्यापक विकास के लिए पहचाना गया है। इसके तहत पहले चरण में 662 गांवों की पहचान की गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपयुक्त तंत्र की मदद से जिला प्रशासन, केंद्र और राज्य योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित गांवों के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। गांवों के विकास के लिए पहचान किए गए फोकस क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुदेशी केंद्र और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा और कल्याण केंद्र शामिल हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।